1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार बीते कई सालों से प्रदेश में एक अदद फिल्म सिटी बनाने का सपना देख रही है, जिसके लिए वो दिन रात एक किए हुए। खुद योगी आदित्यनाथ मुंबई से लेकर लखनऊ तक कई सेमिनार कर चुके हैं। कई करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में अब तक खर्च भी हो चुके हैं। मुंबई से लेकर लखनऊ तक सेमिनार कॉन्क्लेव का आयोजन भी हो चुका है, जिनमें से मोटा पैसा खर्च हो चुका है। लेकिन पता नहीं क्या बात है और किसकी नज़र इस प्रोजेक्ट को लगी कि एक अदद ग्रेटर नोएडा में होल्डिंग से आगे ये प्रोजेक्ट बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार दूसरी बार फिल्म सिटी के डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जा चुका है, लेकिन कोई भी कंपनी या यूं कहें कि इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। इसीलिए दूसरी बार बीते शुक्रवार को टेंडर बिना विट के रह गया और अब अधिकारी सोच में हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा सपना टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। दरअसल योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को लेकर यमुना अथॉरिटी ने दूसरी बार ग्लोबल टेंडर जारी किया था, लेकिन पिछली बार की तरह ही इस बार भी अंतिम तारीख निकलने के बाद भी किसी कंपनी ने अपनी फिल्म सिटी डेवलपमेंट को लेकर रुचि नहीं दिखाई। लगातार दो बार से टेंडर निकाले जाने के बाद किसी कंपनी के आगे नहीं आने से योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। साथ ही अब इस प्रोजेक्ट पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं और इसके लिए अब विचार विमर्श शुरू हो गया है। बता दें कि सीएम योगी ने यूपी में अपनी फिल्म सिटी के लिए काफ़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था, लेकिन अब इसके विकास के लिए किसी के आगे ना आने से यमुना अथॉरिटी की चिंताएं बढ़ गईं। साथ ही सरकार को भी अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। इसके साथ ही अथॉरिटी ने अब अन्य विकल्पों पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। यमुना प्राधिकरण सेक्टर 21 में 1000 एकड़ जमीन पर यूपी की फिल्म सिटी विकसित करने की बात कही जा रही थी। इस प्रोजेक्ट को पीपी मॉडल पर विकसित किया जाना है। अथॉरिटी ने एक साल पहले इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाले थे, लेकिन उस दौरान कोई कंपनी फिल्म सिटी विकसित करने के लिए आगे नहीं आई थी। इसके चलते यमुना प्राधिकरण ने नियमों में कुछ फेरबदल किए और इसे लचीला बनाया। साथ ही ग्लोबल टेंडर निकालकर उसके आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी थी। हालांकि इस बार भी अंतिम तिथि बीत गई और कोई भी कंपनी आगे नहीं आई। अब ऐसे में टेंडर नहीं पड़ने से फिल्म सिटी का काम अधर में लटकता हुआ दिखाई देने लगा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि फिल्म सिटी को लेकर कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाहता। हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया और फिल्म स्टार रजनीकांत ने भी जमीन लेने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे हालात में अब यमुना अथॉरिटी इस बात पर भी विचार कर रही है कि इस फिल्म सिटी को एक बार में नहीं बल्कि 4 अलग अलग हिस्सों में डेवलप किया जाए और अलग अलग डेवलपर ढूंढे जाए। बता दें कि फिल्म सिटी परियोजना 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। अगर जमीन की कीमत हटा दें तो करीब 7200 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने हैं। यमुना प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के लिए सेक्टर 21 में 1000 एकड़ की जमीन सुरक्षित कर रखी है, लेकिन बिडर न आने से अब इस जमीन का क्या होगा और इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार से लेकर तमाम तरह की इसको लेकर बातें कही थीं और कई बार इसको लेकर फिल्म स्टार्स से मिल चुके हैं, जहां से पॉजिटिव रिजल्ट आने की खूब उम्मीद थी, लेकिन बिडर न मिलने से अब ये योजना अधर में अटकती दिख रही है। अब देखना होगा कि इस फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है और कौन कंपनी इसका डेवलपमेंट करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।